आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप केरला में हैं आपके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। ये मशीन शॉप करीबन 15 साल पुराना है और इन्होंने क्या क्या सुधार किए हैं इनके अंदर। मशीन शॉप तो छोटा सा चला रहे हैं लेकिन ये हाईली टेक्निकल आदमी है। चक में ये कचरा अंदर ना जाए, स्पिंडल में ना जाए, बाबू ने इसका जुगाड़ कैसे किया और क्या सॉल्यूशन निकाला यह भी देखे। दोस्तों, बंका मशीन में हम बार बार वीडियो बनाते हैं मेटल काटने वाली मशीनों के लिए, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बाबू सुखमरान के बारे में। आप अगर फैब्रिकेशन का, इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड बनवाने का, मेटल काटने वाली मशीन के ऊपर कोई पुर्जे बनाने हैं, आपको कोई गियर बनाना है या हाइड्रोलिक सिस्टम को रिपेयर करवाना है, और अगर आप केरला में हैं तो आपके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। अब मुन्नार से सिर्फ 15-17 किलोमीटर दूर शक्ति इंजीनियरिंग वर्क्स करके ये 58 ईयर के बाबू सुखमरान एक फैक्ट्री चला रहे हैं और ये मशीन शॉप करीबन 15 साल पुराना है। यही मशीन शॉप चला रहे बाबू सुखमरान हमारे लेथ मशीन बंका 43 की खरीद करते हैं और इन्हें मिलता है एक नया नवेला बंका 43 लेथ मशीन, जिन्हें ये अपने तरह से अपडेट करके, चेंज करके, बदलाव करके, उसमें कुछ सुधार करके खुद के लिए चला रहे हैं। और इन्होंने क्या क्या सुधार किए हैं इनके अंदर ये भी बहुत देखने लायक है। मैं ये सुधार आपको म्यूजिक के साथ दिखा देता हूँ, देखिए। डेढ़ लाख की पॉपुलेशन वाला यह छोटा गांव केरला के कोची से 118 किलोमीटर दूर है। अगर आप ये रास्ता क्रॉस करके यहां पर हमारा मशीन देखने नहीं जा सकते हैं तो आपको बताऊं कि हमने एक और वीडियो हमारे ही ग्राहक केरला के है जिनका बनाया हुआ है और वो कोची में ही है, उनका नाम है विजय। तो यहाँ कहीं भी आप हमारे मशीन को देख सके और हमारे ग्राहकों को केरला से राजकोट तक सफ़र करना ना पड़े और उनके पैसे बच जाए, इस वजह से हम ये वीडियो आज बना रहे हैं। कंचीथन्नी में ये वर्कशॉप 700 स्क्वायर फीट का है और हाइड्रोलिक प्रेस, लेथ, ड्रिल मशीन ऐसी सब बड़ी मशीनों के साथ साथ छोटे वेल्डिंग ग्राइंडर, पाइप बेंडिंग, छोटी स्मॉल कटर ग्राइंडर ऐसे सब टूल्स के साथ ये शीट मेटल रोलिंग के काम और ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं। पूना में 22 साल तक एक्सपीरियंस करने के बाद 58 ईयर के बाबू सुखमरान अभी वर्कशॉप चला रहे हैं शक्ति इंजीनियरिंग के नाम से और ये है कच्ची थन्नी में।
शक्ति इंजीनियरिंग वर्क्स, ये कहाँ आया? कच्ची थन्नी इडुकी में। अगर ऐसे मैं आपको बताऊं तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि केरला बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन मैं आपको कहूं एक टूरिस्टी डेस्टिनेशन है और इन्हें हम कहते हैं मुन्नार। मुन्नार में बहुत सारे चाय के बागान हैं। ऐसे अगर मैं कहूं तो आपको पता चल जाएगा कि मुन्नार कहां आया। Yo ya perdí la cuenta. Quiero decirte que te amo. Ya van segundos y te extraño. Que dure siempre esta casualidad. Es que los otros no entenderán lo que se siente ser amigo, ser tan buen amante. Baby, un poquito más. Que dure siempre esta casualidad. आपके मन में ये भी सवाल होना चाहिए कि शक्ति इंजीनियरिंग में छोटे से इस कस्बे में क्या काम मिल रहा होगा। यहाँ पर ये काम कर रहे हैं मोटरसाइकिल को ऊपर नीचे करने के लिए, जो लिफ्ट टेबल लगता है टू व्हीलर के ऑटो गैरेज में, वो ये बना रहे हैं। इनके साथ साथ ये कार्डेमम के ड्रायर भी बना रहे हैं। ऑटोमोबाइल का छोटा मोटा रिपेयरिंग काम आता है, जैसे कि ब्रेक ड्रम, रोटर, पॉपुलर शाफ्ट बनवाना और वाटर पंप का रिपेयरिंग काम। तो ये सभी काम बाबू करते हैं और इन्हीं से ये छोटा सा मशीन शॉप अभी चल रहा है। ये काम इन्हें कहाँ से मिलते हैं? ऑटोबेल करके एक कंपनी है और कुछ डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियाँ हैं जो इनके आसपास मौजूद है। ये कंपनियां इन्हें रिपेयरिंग के लिए कुछ पुर्जे देती है, जिन्हें यहां बाबू रिपेयर करके अपना गुजारा कर रहे हैं। मशीन शॉप तो छोटा सा चला रहे हैं, लेकिन ये हाईली टेक्निकल आदमी है। मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर हम अपने चक के अंदर बोरिंग का काम करते हैं तो स्पिंडल के अंदर से कुछ कचरा गिरकर पीछे की ओर जाता है। इनके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि क्या किया जाए जिससे चक में ये कचरा अंदर ना जाए, स्पिंडल में ना जाए। लेकिन बाबू ने इसका जुगाड़ कैसे किया और क्या सॉल्यूशन निकाला, यह भी देखे। के साथ अगर आप जुड़कर कुछ काम करना चाहते हैं तो क्या काम कर सकते हैं, इनकी क्या एक्सपर्टाइज है, ये सब मैंने बताया। इनके अलावा अगर आप कोई मशीन खरीदना चाहते हैं और आप बंका के रिव्यू के बारे में सोच रहे हैं तो इन्हें पूछिए, ये आपको सही सही रिव्यू देंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि
इन्होंने हमें जब ऑर्डर दिया तो इन्होंने एक हमें बात बताई कि मैं बंका को ऑर्डर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बंका के साथ हमारा कम्युनिकेशन एकदम क्लियर जा रहा है, तो इन्हें क्लियर कम्युनिकेशन पसंद है।